हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू बेस्ट एजुकेशन क्लासेस दिस इज सेकंड वीडियो फॉर लर्निंग इंग्लिश इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट टेंस के कुछ कम्युनिकेशन देखेंगे इसमें आपको एक तरफ हिंदी में वही कन्वर्जेशन दिख दिख जाएगा एंड इंग्लिश में वो कन्वर्जेशन आपको कैसे करना है वो हम देखेंगे इसमें बेसिकली हम फर्स्ट कन्वर्जेशन में डज और डू का यूज़ देखेंगे सो लेट्स बिगिन यहाँ पर दो फ्रेंड्स हैं उनके बीच में कुछ कम्युनिकेशन चल रहा है कुछ बातचीत चल रही है डे टू डे लाइफ में इसमें बहुत सारे फ्रेजेस हैं सेंटेंसेस से, हैं स्टूडेंट्स जो आप अपने लाइफ में भी यूज़ कर सकते हो इसमें से सीख कर मनीष क्या तुम अंग्रेज़ी पढ़ते हो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे डू यू स्टडी इंग्लिश हाँ यस आई डू क्या लता तुम्हारे घर आती है ये एक सवाल है तो इसके लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना होता है डज लता कम टू योर हाउस इवन इंग्लिश में भी जो क्वेश्चन मार्क होता है प्रश्न चिन्ह होता है दैट इज सेम हा वह कभी कभी आती है यस शी कम्स समटाइम्स कभी कभी को इंग्लिश में हम समटाइम्स बोलते हैं क्या दूसरे मित्र भी तुम्हारे पास आते हैं डू अदर फ्रेंड्स ऑल्सो कम टू यू क्वेश्चन मार्क हाँ वो भी आते हैं यस दे डू यानी वो लोग भी आते हैं क्या तुम मुंबई रहते हो डू यू स्टे इन मुंबई क्वेश्चन मार्क हाँ नहीं मैं कोलकाता रहता हूँ नो आई स्टे इन कोलकाता रहता स्टे सो so ये था कन्वर्सेशन जिसमें हम डज और डू का यूज़ करते हैं इसके बाद हम दूसरा कन्वर्सेशन देखेंगे जिसमें इज़ एंड आर एंड एम का यूज होगा अगेन देर आर टू फ्रेंड्स हु आर हैविंग अ नॉर्मल कन्वर्जेशन लेट्स सी क्या यही पुस्तक तुम्हें चाहिए पुस्तक यानी कि बुक चाहिए सो so, देखो सेंटेंस यहाँ कैसे इंग्लिश में होगा इज दिस द बुक यू आर लुकिंग फॉर इज दिस द बुक यू आर लुकिंग फॉर हाँ यही पुस्तक मुझे चाहिए यस दिस इज इट इसे आप और कैसे चेंज कर सकते थे यस दिस इज द बुक आई एम लुकिंग फॉर ऐसे करके आप एक लेंथी सेंटेंस भी फ्रेम कर सकते हो क्या रीटा फिल्म देख रही है इज रीटा वॉचिंग मूवी देख रही है ये जो सेंटेंस है दैट इज कंटिन्यूस वो जो क्रिया है द एक्शन इट इज स्टिल गोइंग ऑन तो दैट्स वाई हम वॉच watch को वॉचिंग आई एन जी फॉर्म में करेंगे सो so दैट जो टेंस है वो कंटिन्यूस रहे नहीं वह वीडियो गेम खेल रही है नो शी इज प्लेंग वीडियो गेम अगेन जो क्रिया है द एक्शन इट इज स्टिल गोइंग ऑन सो जो वर्ब होगा यानी यहाँ पे वर्ब है प्ले वो आई एन जी फॉर्म में होगा लेट्स सी नेक्स्ट कन्वर्जेशन क्या तुम अब बाजार नहीं जा रहे हो आर यू नॉट गोइंग टू द मार्केट नाउ नहीं नो आई एम नॉट क्या तुम्हारे पिताजी सरकारी नौकरी करते हैं क्वेश्चन मार्क इज योर फादर इन गवर्नमेंट सर्विस नहीं मेरे पिताजी व्यापारी है व्यापारी यानी कि इंग्लिश में हम उसे बिजनेसमैन कहते हैं नो ही इज अ बिजनेसमैन यहाँ पर हमने ही वर्ड को यूज किया है ही जो होता है प्रोनाउन होता है क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस में ऑलरेडी फादर का जिक्र है तो ही वर्ड जो है वो फादर को पॉइंट आउट कर रहा है क्या तुम्हारा भाई किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तैयारी यानी कि प्रिपेरेशन परीक्षा यानी कि एग्जामिनेशन भाई यानि कि ब्रदर तुम्हारा यानि कि योर सो इसे हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे इज़ योर ब्रदर प्रिपेरिंग फॉर सम एग्ज़ामिनेशन किसी किसी यानी कि सम कोई स्पेसिफिक नहीं है हाँ वह आई ए एस की आई ए एस परीक्षा की तैयारी कर रहा है सो आई ए एस सिंपली हम इंग्लिश में लिखेंगे परीक्षा यानी कि एग्जामिनेशन तैयारी यानी कि प्रिपरेशन हाँ यानी कि यस वह यानी कि यहां पर प्रोनाउन का यूज होगा इंग्लिश में कैसा होगा सेंटेंस यस ही इज प्रिपेयरिंग फॉर आई ए एस एग्जामिनेशन लेट्स सी द नेक्स्ट इन विच वी विल यूज हैज एंड हैव हैज एंड हैव लेट्स सी द कन्वर्जेशन क्या तुमने राधा को कोई पत्र लिखा है राधा सिंपली हम इंग्लिश में लिखेंगे कोई यानी कि सम या फिर एनी पत्र मीन्स लेटर लिखना लिखा यानी कि रिटर्न सो so, इंग्लिश में होगा वो वर्ड सेंटेंस हैव यू क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं एक तरीके का रिटोरिकल क्वेश्चन है हैव यू रिटर्न एनी लेटर टू राधा हाँ यस आई हैव क्या उसने तुम्हारे पत्र का उत्तर दिया पत्र यानी कि लेटर उत्तर यानी कि आंसर हैज़ शी रिप्लाई टू योर लेटर क्वेश्चन मार्क नहीं नो शी हैज़ एट यहाँ सिंपली हम नो भी लिख सकते थे क्या तुमने खाना खा लिया हैव यू टेकन योर मील खाना मील अगर कोई डे का कोई स्पेसिफिक पार्ट होगा तो हम उसे लंच या डिनर करके भी डिस्क्राइब कर सकते हैं नहीं मैंने सुबह से सुबह को नाश्ता काफी भारी कर लिया था नाश्ता यानी कि ब्रेकफास्ट भारी यानी कि हैवी सुबह यानी कि मॉर्निंग नो आई हैड हैवी ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग क्या तुम उसके घर गए थे डू यू गो टू his प्लेस नहीं अभी मुझको जाना है नो आई हैव to टू गो लेट्स द नेक्स्ट conversation, जिसमें हम has been, हैव been का यूज करेंगे तुम सुबह से क्या कर रहे हो सवाल है अगेन सुबह मीन्स मॉर्निंग कर रहे हो हैव बीन डूइंग तो क्वेश्चन क्या होगा इंग्लिश में वॉट हैव यू बीन बी डूइंग सिंस मॉर्निंग यह किताबें किताब पढ़ रहा हूँ आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक ये जो यहाँ हम जो टेंस यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स ये जो भी कुछ एक्शन हो रहा है ये एक्शन पास्ट में शुरू हुआ था बट अभी भी प्रेजेंट में वो क्रिया चल रही है तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है क्या कल से यह यहाँ भी बरसात हो रही है हैज़ इट बीन रेनिंग हियर ऑल्सो सिंस यस्टरडे कल से यानी बीता हुआ कल यानी कि यस्टरडे हाँ हो तो रही है पर रुक रुक कर यस इट हैज़ बिन बट नॉट कंटिन्यूस रुक रुक कर यानी कि कंटिन्यूस नहीं है लगातार नहीं है क्या पानी काफी देर से उबल रहा है उबलना यानी कि बॉयल होना हैज़ द वाटर बीन बॉइलिंग फॉर लॉन्ग नहीं अभी थोड़ी देर से ही उबल रहा है नो इट हैज़ बिन बॉयलिंग ओनली फॉर अ लिटिल टाइम थोड़ी देर यानी कि लिटिल टाइम सो दिस वर सम कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स इसमें से बहुत सारे सेंटेंसेस है विच यू कैन यूज इन योर डे टू डे लाइफ एंड इम्प्रूव योर इंग्लिश स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियोज